नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग, बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखे 3 आईईडी बरामद। विक्रम ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। सम्राट पृथ्वीराज को टक्कर दे रही अधिविशेष की मेजर। आरएसएस के लखनऊ समेत 6 कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। लोकसभा उपचुनाव में बदले सियासी समीकरण में आजमगढ़ और रामपुर में मुकाबला रोचक होगा। सभा के सामने गढ़ बचाने की चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा, गर्भगृह में किए ठाकुर जी के दर्शन। 10 जून को गरीब जन कल्याण जनसभा करेंगे नड्डा और योगी। 7 जिला कार्यालयों का होगा वर्चुअल लोकार्पण। ज्ञानव्यापी केस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और शिवलिंग की पूजा अर्चना मामले में सुनवाई पूरी, आ जाएगा फैसला। मध्य प्रदेश में बैंक में गबन के मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा गिरफ्तार, एक दिन की पुलिस रिमांड पर। सुशील आनंद को MLC बना सकती है समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ उपचुनाव में नहीं दिया गया टिकट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।